चेन्नई और मुंबई के बीच जो मुकाबला हुआ, मानो वो चेन्नई वीएस मुंबई से नहीं, चेन्नई वीएस रोहित शर्मा से हुआ। अकेले रोहित शर्मा लड़ते रहे एक तरफ से, लेकिन रोहित शर्मा का कोई साथ नहीं दिया मुंबई का कोई भी एक भी बल्लेबाज, और रोहित शर्मा 63 गेंदों में 105 रन बना के नवाज रहे, फिर भी वो जीत तक नहीं ले रहा। मानो ये मैच मुंबई धोनी से हार गए। धोनी ने लास्ट में आके जो 4 बॉल पे 18 रन बनाए जिसमें 3 छक्के थे, हार्दिक पांड्या के लास्ट ओवर में 3 बॉल बचे थे और तीनों बॉलों पे लगातार छक्के लगाए। महेंद्र सिंह धोनी का ये 18 रन ही मुंबई को हार का स्वाद चखाया। हालांकि शुरू में चेन्नई की शुरुआत अच्छी नहीं रही। रचिन रविंद्र के साथ रहाणे ओपनिंग करने आए ऋतुराज गायकवाड़ की जगह, और मात्र 5 रन बना के आउट हो गए। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ आए क्रीज पे, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मैच में शानदार बल्लेबाजी की और 69 रन बना के आउट हुए। दूसरी तरफ से शिवम दुबे ने चेन्नई को संभाला और उन्होंने 66 रन बना के आउट हुए। लास्ट में शिवम दुबे ने भी आक्रामक खेल दिखाया। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी आते ही जो 4 गेंदों में उन्होंने 18 रन बनाए जिसमें 3 छक्के थे हार्दिक पांड्या के। जब भी चेन्नई से मैच होता है आईपीएल में, तो सारे दर्शकों का नज़र धोनी पे ही रहता है कि धोनी कब बल्लेबाजी करने आए, और बल्लेबाजी करने आते हैं तो कुछ ना कुछ कमाल जरूर दिखाते हैं। जैसे कि उन्होंने 3 बॉल पे 3 छक्का लगाया हार्दिक पांड्या गेंद पे, वो भी शानदार छक्के थे। अगर कोई भी बल्लेबाज मुंबई का रोहित शर्मा का साथ दे दिया होता है, तो ये मैच मुंबई इंडियंस आराम, मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा को छोड़ के कोई भी बल्लेबाज मुंबई का उनका साथ नहीं दिया। ईशान किशन ने थोड़ा बहुत साथ दिया स्टार्टिंग में, लेकिन वो भी 15 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद से तिलक वर्मा ने 31 रन बना के आउट हुए। हार्दिक पांड्या जो कि 6 गेंदों में 2 रन बना के आउट हुए। टीम डेविड भी जल्दी आउट हो गए। रोमियो सेफर्ट भी साथ नहीं दिए। रोहित शर्मा एक तरफ से अकेले लड़ते रहे, जो कि 63 गेंदों में 105 रन बनाए। सीजन में 2 ही शतक लगे हैं, एक विराट कोहली और दूसरा रोहित शर्मा, जो कि 63 गेंदों में 105 रन बना के नवाज रहे हैं।